हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई पी टेक। मैं हूँ रितेश। तो आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वन लेयर ऑफ फ्लूड टू द अदर लेयर इज़ नोन एज विस्कोसिटी। अगर कोई फ्लूड बह रहा है तो उसका पहला लेयर, दूसरा लेयर, हर लेयर जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है, वो एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहा है, तो फ्लूड की इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलेंगे। जैसे देख लेते हैं, अगर कोई सपोज़ फ्लूड बह रहा है, सपोज़ वाटर बह रहा है, ले लेते हैं, ये किसी सरफेस पे बह रहा है, तो इसके सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। ओके, तो ये इसको रोकने का प्रयास कर रहा है और ये ऊपर वाले को रोकने का प्रयास करेगा, और वो लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को रेजिस्ट करेगा आगे बहने से। ओके, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है और इसके कारण हर लेयर के बीच फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा। तो अगर सबसे ऊपर वाला लेयर आगे की ओर बह रहा है तो ये सेकेंड वाला जो लेयर है उसको पीछे की ओर ढकेलेगा। ओके, तो जैसे ये पहला लेयर इस ओर एफ फोर्स से बह रहा है तो नीचे वाला लेयर उसको अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगा, तो ये भी एफ फोर्स लगा रहा है। तो फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिससे, और इस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलेंगे, विस्कस फोर्स। ओके, तो फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिससे विस्कस फोर्स जनरेट होता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये देख लीजिए फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, अब मान लेते हैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस वाई है। ओके, नीचे का लेयर जो सबसे नीचे है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और ऊपर की वेलोसिटी मान लेते हैं वी है। तो अगर इस दोनों लेयर को हम कंसीडर करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी वाले लेते हैं। ओके, ये हो गया वी और इसकी वेलोसिटी यू जो कि ज़ीरो है। तो इसे अगर कंसीडर करें तो कुछ इस टाइप का शेप दिखेगा। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या है, डी वाई, और ये डी थीटा एंगल है। ओके, ये वेलोसिटी है यू और ये है डी यू, यू प्लस डी यू। ओके, प्लस डी यू क्यों, क्योंकि ऊपर की लेयर की वेलोसिटी नीचे की लेयर की वेलोसिटी से कुछ ज़्यादा है। ओके, तो इस एक्सिस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी यू इंटू डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है इसलिए। ओके, अब यहाँ पर टेन थीटा लगाते हैं, टेन डी थीटा हो जाएगा डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। अब टेन थीटा, टेन डी थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो हम इसे डी थीटा ले लेते हैं। तो डी थीटा डी टी नीचे ले आते हैं, डी यू अपॉन डी वाई। ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो कहता है सीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। मतलब ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है इसको बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। ओके, और डी यू बाई डी वाई है इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो ये यहाँ से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी वाई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं म्यू। ओके, इसी म्यू को विस्कोसिटी कहते हैं या डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, म्यू की वैल्यू अगर निकालें तो टाउ डी वाई अपॉन डी यू। ओके, अब इसकी अगर यूनिट निकालें
तो ये हो जाएगा टाउ न्यूटन मीटर स्क्वायर डी वाई नथिंग बट लेंथ, लेंथ मीटर हो जाएगा अपॉन ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल, न्यूटन पर मीटर नथिंग बट पास्कल सेकेंड। ओके अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन वन न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जानते हैं, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इनटू सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा फिर किलोग्राम मीटर इनटू सेकेंड। सीजीएस में अगर देखें तो ग्राम सेंटीमीटर इनटू सेकेंड ये हो जाएगा। ओके और इसी को बोलते हैं वन पॉइस, और वन पॉइस इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड या किलोग्राम मीटर इनटू सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।